नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं न्यूज वन इलेवन। आइए 3 मिनट में आपको बताते हैं बिहार से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वैशाली पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को जागरूक अभियान के तहत सीएए और एनआरसी को लेकर जानकारियां दी। साथ ही कांग्रेस और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कि कुछ लोग जो हैं वो बात तो पीड़ितों की करते हैं, बात मानव अधिकारों की करते हैं, लेकिन जब बात उनके वोट बैंक की आती है तो वो अपने वोट बैंक के अलावा किसी को नहीं देखते। पटना के बिहार म्यूजियम में केंद्रीय एवं राज्य नियंत्रण पार्षदों समितियों के अध्यक्षों और सदस्य सचिव का 64वां 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। बता दें कि राज्य सरकार की पहल पर पटना में इस सम्मेलन को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्यों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे कार्यों का सार्थक प्रयास की जानकारी देना है। पटना में सीएम नीतीश कुमार के मानव श्रृंखला के तर्ज पर आलोसपा नेता उपेंद्र कुशवाहा भी मानव श्रृंखला बनवाने जा रहे हैं, जिसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि शिक्षा की बदहाल स्थिति और बेरोजगारी के मुद्दे पर बिहार में रालोसपा मानव श्रृंखला बनाएगी। पटना में मोकामा के विधायक अनंत सिंह के समर्थक बंटू सिंह ने नीतीश सरकार पर तंज कसा। बता दें कि बंटू सिंह ने जल जीवन हरियाली यात्रा और 19 जनवरी को होने वाले मानव श्रृंखला पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं और सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। पिछले कई दिन से पटना के सब्जी बाग में सीएए, एनपीआर और एनआरसी को लेकर जारी प्रदर्शन में प्रसिद्ध मुशायर इमरान प्रताप गढ़ी और जाप संरक्षक पप्पू यादव पहुंचे, जहां पप्पू यादव ने धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार लोगों के साथ अन्याय कर रही है। वहीं इमरान ने अपने मुशायरा से लोगों का दिल जीता और पीएम मोदी को खूब खरी खोटी सुनाई। पटना में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो चुका है। बीते 10 सितंबर को राज्यपाल फागू चौहान ने इस एक्ट को मंजूरी दे दी थी। वहीं जन कल्याण स्वास्थ्य समिति के सचिव ने पीएमसीएच में लोगों को जागरूक करने को जगह जगह पर सभी वार्डों में बैनर लगाए और गौरतलब है कि आए दिन सरकारी और निजी हॉस्पिटल में डॉक्टरों के और मरीजों के बीच दुर्व्यवहार करने के मामले को लेकर लगातार प्रोटेक्शन एक्ट पारित करने की मांग चल रही थी, जिसके बाद राज्यपाल ने इसे लागू कर दिया है। पटना कोतवाली थाना क्षेत्र के होटल अतिथि में एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृत युवक नालंदा निवासी अमित कुमार था। वहीं नौकरी ना मिलने की वजह से डिप्रेशन में जाकर युवक ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई कर रही है। पटना में पहली दफा होने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 क्रिकेट मैच ऊर्जा स्टेडियम में भारत ए और बांग्लादेश के बीच 9 बजे से शुरू होना था, लेकिन दर्शकों की कमी के कारण मैच शुरू होने में देरी हो रही है। बता दें कि 3 दिनों तक चलने वाले सीरीज में भारत, बांग्लादेश और थाईलैंड की महिला क्रिकेट टीम शामिल है। छपरा में 19 जनवरी को आयोजित होने वाले मानव श्रृंखला को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने मोटरसाइकिल रैली जागरूकता अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं आयोजन में पुलिस अधीक्षक, एसटीएम और जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित अन्य कई पदाधिकारी भी शामिल हुए। अररिया पहुंचे बिहार होमगार्ड के महानिदेशक आर के मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवानों के संगठन की मजबूती और समस्याओं के समाधान के लिए जनसंवाद कार्यक्रम की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों में जनसंवाद के द्वारा जवानों की समस्या का समाधान किया जाएगा। फिलहाल 3 मिनट की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 111। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।